हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल सबकी स्वाद की मैं आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बनाने वाले हैं यूपी और बिहार की फेमस लौंग लतिका की रेसिपी, जो कि होली के टाइम बनाई जाती है। कई जगह में इसे लौंग लता या लवंगी भी बोलते हैं। तो ये स्वीट मैदे से बनती है और इसके अंदर मावा या खोया की फिलिंग होती है और उसके बाद इसको चाशनी में डुबा के इसे तैयार किया जाता है। तो इसको बनाने के लिए मैंने लिया है यहाँ 2 कप मैदा और 1/2 चम्मच नमक। उसके बाद मैंने यहाँ 2 बड़े चम्मच घी डाला है मोइन के लिए। उसके बाद आप घी और मैदे को अच्छे से हाथों से मसलिए, जिससे कि घी पूरे मैदे में अच्छे से मिक्स हो जाए। उसके बाद मैदे को थोड़ा सा हाथों में ऐसे मुट्ठी बांध के चेक करिए, तो आप देख सकते हैं घी अच्छे से मैदे में मिक्स हो गया है। तो अब हम धीमे धीमे पानी डाल के इसका एक डो लगाएंगे। तो हमें इसका डो बहुत हार्ड नहीं लगाना है या बहुत सॉफ्ट नहीं लगाना है। तो हमारा ये डो तैयार हो गया है, तो इसको हम ढक के थोड़ी देर के लिए साइड में रख देंगे और हम करेंगे मावा की तैयारी। तो लौंग लतिका की जो फिलिंग होती है वो मावा की या खोया की होती है। तो उसके लिए मैंने एक कढ़ाई ली, उसमें मैंने ये खोया डाल के उसको थोड़ा सा अच्छे से भून लिया। जब आप मावा को भुने तो आप अपनी गैस की फ्लेम लो रखिएगा। तो आप देख सकते हैं थोड़ा सा रोस्ट करने के बाद मावा हमारा अच्छे से भुन चुका है। तो अब हम गैस को ऑफ करके इसे हम एक बोल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो मैंने अब इस मावा में मिलाया है 1 चम्मच चीनी। तो ये मैंने पाउडर वाली चीनी यूज़ करा है। तो आप चाहे इसमें आप 2 चम्मच चीनी भी डाल सकते हैं आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग। हमारे यहाँ मीठा थोड़ा कम खाया जाता है तो मैंने यहाँ चीनी कम डाली है। साथ ही साथ मैंने यहाँ डाला है नारियल का बुरादा। तो ये डालना ऑप्शनल है, अगर आपके पास है और आपको अच्छा लगता है तो आप इसमें मिला सकते हैं। तो आप इसमें कोई भी ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं अपने पसंद का। तो मैंने यहाँ काजू बादाम और पिस्ता का यूज़ करा है। तो आप चाहे ऐसे मार्केट में आए नए चॉपर में भी डाल के अपने ड्राई फ्रूट्स को चॉप कर सकते हैं, या आप चाकू से भी छोटे छोटे चॉप करके इसमें डाल सकते हैं। तो ये चॉपर यूज़ करने से मेरा काम बहुत जल्दी हो गया। आप देख सकते हैं कितनी आसानी से सारे ड्राई फ्रूट्स अच्छे से चॉप हो गए हैं। तो अब जो खोआ का मिक्सर है उसमें हम डालेंगे इलायची पाउडर अच्छा फ्लेवर के लिए। तो अब ये इलायची पाउडर को हम जो खोआ का मिक्सर है उसमें मिला देंगे। तो इस खोआ मिक्सर में हमने मिलाया था पिसी हुई चीनी, नारियल का बुरादा, चॉप करे हुए ड्राई फ्रूट्स और थोड़ा सा इलायची पाउडर। तो हमारा लौंग लतिका का खोआ का मिक्सर बनके बिल्कुल तैयार हो गया। तो चलिए अब हम अपने मैदे के डो को लेते हैं, उसको एक बार थोड़ा सा ऐसे गूंद लेते हैं जिससे कि वो थोड़ा स्मूद हो जाए। उसके ऐसे छोटे छोटे पोर्शन निकाल लेते हैं। तो उसकी पोर्शन साइज़ आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको छोटे साइज़ के लौंग लतिका चाहिए तो आप उसके छोटे पोर्शंस निकालिएगा, और अगर आपको नॉर्मल मीडियम साइज़ के चाहिए तो आप ये मीडियम साइज़ के बॉल्स निकालिएगा। और फिर उसके बाद हल्के हाथों से ऐसे पूड़ी की तरह बेल लीजिए। तो हमें इसे बेलने के टाइम मैदे का बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है, क्योंकि हम लोग ने इसमें घी अच्छे से डाला था तो हमें इसे बेलने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं हुई। तो हमें इसे बहुत पतला या मोटा नहीं बेलना है। तो आप देख सकते हैं मैंने इसे अभी पूड़ी की तरह बेल लिया है, उसमें मैं स्टफिंग डाल रही हूँ जो हम लोगों ने ऑलरेडी प्रिपेयर करा था। उसके बाद इसे ऐसे हम फोल्ड करेंगे और उसमें पानी लगा के इसको अच्छे से चिपका देंगे जिससे कि ये फटे ना। उसको ऐसे दोनों साइड से आप देख सकते हैं कैसे मैं फोल्ड कर रही हूँ, जैसे हम बेडशीट फोल्ड करते हैं कुछ उस तरह। और इसको हम लॉक कर देंगे ये लौंग लगा के। तो हमारे सारे लौंग लतिका ऐसे बन के तैयार हो गए हैं। तो आप देख सकते हैं ऐसे फोल्ड करके बनाना कितना सिंपल है, इसमें हमें कोई साँचे या मोल्ड की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो बस अब हम सारे लौंग लतिका को देसी घी में फ्राई करेंगे। तो फ्राई करने के लिए हमें देसी घी को बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है, जब ये हल्का गर्म हो जाए तभी हमें एक एक करके सारे लौंग लतिका को इसमें डाल देना है। क्योंकि अगर आप इसे ज़्यादा गर्म घी में फ्राई करेंगे तो ये ऊपर से तो ब्राउन हो जाएंगे लेकिन अंदर से कच्चे रह जाएंगे। आप चाहे तो इसमें और घी डाल के इसको एकदम डीप फ्राई भी कर सकते हैं, वरना आप चम्मच से भी इसे ऊपर घी डाल के इसे इवनली फ्राई कर सकते हैं। तो धीमी आंच में जब तक हमारे लौंग लतिका फ्राई हो रहे हैं, चलिए हम चाशनी की तैयारी करते हैं। तो मैंने यहाँ 1/2 कप चीनी लिया और 1/2 कप पानी, लेकिन आप अगर मीठा पसंद करते हैं तो आप इसमें 1 कप चीनी और 1 कप पानी डालिएगा। तो हमें इसकी एक चिपचिपी सी चाशनी बनानी है, बहुत ज़्यादा गाढ़ी भी नहीं बनानी है। तो हमारी चाशनी बनके तैयार हो गई है। हम गैस को ऑफ करते हैं और चेक करते हैं अपनी लौंग लतिका को। तो ये भी आप देख सकते हैं अच्छे से फ्राई होके ब्राउन हो गई हैं। तो चलिए इसको भी हम एक एक करके बाहर निकाल लेते हैं, और 5 मिनट के बाद हम एक एक करके अपने लौंग लतिका को चाशनी में डालेंगे और उसमें अच्छे से चाशनी को कोट कर देंगे। तो बस अब 1 मिनट के लिए चाशनी में डाल के लौंग लतिका को छोड़ दीजिए। तो ये लीजिए, हमारी चाशनी में डूबी हुई लौंग लतिका बन के बिल्कुल तैयार हो गई है। मैं आपको इसको अंदर से बाइट करके भी दिखाती हूँ कि आप देख सकते हैं अंदर से भी कितने अच्छे से कुक हो गई है। तो इस होली में आप भी ये लौंग लतिका बनाएं और त्यौहार की खुशियाँ फैलाएं। और फ्रेंड्स, अगर आपको होली में बनने वाली गुजिया या चाशनी वाली गुजिया की भी रेसिपी चाहिए तो मेरे चैनल थपकी स्वाद की में जाए, जहाँ आपको होली में बनने वाली और भी रेसिपीज़ मिलेंगी जिनको आप देखिए। अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।